हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 16 नवंबर 2018 और आज तक जितने भी करंट जीके के प्रश्न बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएँ ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने का कीर्तिमान स्थापित किया है और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? और इस सैटेलाइट का नाम है GSLV-MK3D। भारत ने बुधवार को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक एक संचार उपग्रह को अपने ऑर्बिट में स्थापित किया है और इस और उपग्रह का नाम जो है वह है GSLV-MK3D। यह उपग्रह सबसे भारी रॉकेट के साथ अपने ऑर्बिट में स्थापित हुआ है और इस उपग्रह से संचार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस उपग्रह का जो वजन है वह है 34,423 किलोग्राम और इस उपग्रह को 10 वर्ष तक कार्य करने की क्षमता प्राप्त है। यह उपग्रह जो है वो सिर्फ संचार के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जटिल टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम आएगा। अब चूंकि इसमें इसरो की बात चल रही है तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो को के जो प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं उनका नाम है KSIVAN। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिल सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राजनीतिक गतिरोध चल रहा है? और वो है श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की संसद में वहां के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है उसमें 225 सांसदों में से 122 ने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन कर दिया है जिससे वहां पे लोकतांत्रिक सरकार के लिए गतिरोध खड़ा हो गया है। और यह समस्या तब शुरू हुई थी जब 26 अक्टूबर को वहां के राष्ट्रपति मैथिलीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करके वहां पे महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया था। अब चूंकि यहाँ पे बात श्रीलंका की हो रही है तो श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की जो राजधानी है वो दो हैं, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम है श्रीलंकन रूपी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? और उनको है दिया है इसराइल ने। इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं एविगडोर लेबरमैन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वे इसराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच संघर्ष विराम कराए जाने का विरोध कर रहे थे। उनके अनुसार संघर्ष विराम करके इसराइल ने आतंकवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में आत्मसमर्पण कर दिया है। अब इसराइल की बात चल रही है तो इसराइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसराइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल की जो मुद्रा है वो है इसराइल न्यू शिकेल। अगला प्रश्न ले लेते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने NIT के लिए परमानेंट और सेफ कैंपस के निर्माण की घोषणा की है? और वो की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर के लिए सेफ और परमानेंट कैंपस बनवाने की घोषणा की है और यह डिमांड वहां के स्टूडेंट काफ़ी समय से सरकार के सामने रख रहे थे जिसे वहां के मुख्यमंत्री ने मान लिया। अब चूंकि ये बात उत्तराखंड से रिलेटेड है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 में। इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिल सकती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 कितने लोगों को चार धाम में कितने तो लोगों ने चार धाम की यात्रा की है? और वो करी है लगभग 27 लाख लोगों ने। इस वर्ष चार धाम की यात्रा करने वालों में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा 27.6 लाख लोगों ने चार धाम की यात्रा की है और यह आंकड़े उत्तराखंड पुलिस ने जारी किए हैं। इस साल चारधाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करते हैं और पिछले साल का अगर आंकड़ा लें तो पिछले साल
23 लाख यात्रियों ने इन चारों धाम की यात्रा की थी और जो इस साल बढ़ के 27.6 लाख हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड की किन फिल्म हस्तियों ने आज शादी की है? वो करी है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने। हाल ही में बॉलीवुड के सितारे रणबीर कपूर व दीपिका पादुकोण ने इटली के स्कैनिक लेक कोमो में शादी की है और इस शादी के बारे में उम्मीद है आप सबको पहले से ही पता ही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ आतंकवाद के विषय पर बात हुई है? और वो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने आतंकवाद, ट्रेड, डिफेंस और शांति के क्षेत्र के लिए वार्ता सिंगापुर में की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की मीटिंग के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे जिक्र सिंगापुर का हो रहा है तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हलीमा याकूब और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें।